नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप अपने इंटरनेट के स्पीड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने इंटरनेट स्पीड को 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक तरयानी को सब्सक्राइब कर दें और अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। कोई सवाल हो मन में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप या पीसी के क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद पहले हम अपने इंटरनेट के स्पीड को चेक करेंगे, एक्चुअली हमारे इंटरनेट का स्पीड अभी क्या है। उसके लिए हम लोग speedtest.net का यूज़ करेंगे, speedtest.net। ठीक, हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल कर आएगा। उसके बाद हमें यहाँ गो कर देना है और हम देखें कि हमारा अभी जो इंटरनेट का स्पीड है वो क्या आ रहा है। देखिए ये सर्च कर रहा है और हमारा मीटर स्टार्ट हुआ। डाउनलोडिंग आ चुका है और अभी अपलोडिंग का सर्च हो रहा है। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। डाउनलोड है 43 Mbps और अपलोड है 30 Mbps। अब यहाँ सबसे जो मेन है, जो हम लोग का यहाँ क्या सेटिंग करना है वो हम लोग अच्छे तरीके से अभी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा, गो के नीचे चेंज सर्वर का ऑप्शन होगा। यहाँ हम लोग चेंज सर्वर पर क्लिक करेंगे और हमारे पास इतना सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो बाय द वे यहाँ दरभंगा बी फाइबर करके सर्वर आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे यहाँ से क्या स्पीड मिल रहा है, फिर हम लोग गो कर देंगे। और अब देखेंगे कि हमारा जो है स्पीड एक्चुअली क्या है पहले के मुकाबले। तो ये देखिए, लगभग हमारा स्पीड जो है कुछ कम ही रहा है पहले के अपेक्षा। डाउनलोडिंग लगभग हमारे पास 19 Mbps का स्पीड आया है। और अपलोड हमारा 33 Mbps, मतलब पिछले जो हमारा स्पीड था उससे कहीं कम है। तो हम इस सर्वर को फिर से एक बार चेंज करके दूसरा सर्वर देखेंगे। देखिए भुवनेश्वर जेट स्पॉट नेटवर्क आ रहा है, फिर हम लोग इस सर्वर से कनेक्ट करके एक बार देख लेंगे यहाँ क्या रिजल्ट आता है हमारा। देखिए ये सर्च ले रहा है, ये देखिए हमारा स्पीड बढ़ते जा रहा है 51 Mbps। वाह, डाउनलोडिंग 51 Mbps। और अपलोडिंग हमारा 18 Mbps। हम इसी तरह से बारी बारी से हर सर्वर एक बार चेक कर लेंगे, जो भी सर्वर का हमारा बेहतर स्पीड आएगा वहाँ हम कनेक्ट करके छोड़ देंगे। ठीक है, और इसका आराम से आप अपना इंटरनेट स्पीड का मज़ा ले सकते हैं। बस ये एक छोटा सा जानकारी आपको देना था। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, और अच्छी लगी हो तो एक बार हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।